गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरा नहाना पूजा करना वगैरह सब हो गया है। और उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि किचन में जाके चाय बनाना। चाय को लेके जाती हूँ बाहर। अभी यहाँ पे हम तीनों का चल रहा है चाय टाइम, मिनी, अंकु कैसी बनी है चाय? बहुत ही बढ़िया। पहली बारी सुबह की, पहली बारी बढ़िया ही होती है। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कह रहा है पहली बारी बढ़िया बनी है। और ये भी आ चुके हैं मॉर्निंग वॉक करके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? बारिश थोड़ी हो रही है। बारिश नहीं हो रही। और चाय भी पी ली? हाँ, हमारी चाय हो गई। अक्षय ने भी पी ली? सबने पी ली। सबने देखो चाय पी ली है, सबके कप यहाँ रखे हैं। अच्छा, और मिनी मिनी जो है अपने काम पे जाने वाली होगी, अपने कमरे में। बस बोथ ऑफ देम विल गेट इनटू हिज देयर ऑफिसेस नाउ। 7 बज चुके हैं शाम के। अभी अभी मैंने अपना नए ये जो ब्लॉग्स का चैनल बनाया है, और एक ये भी मैं काम कर रही थी, ये मैंने एक एनिमेशन वीडियो मैं बना रही हूँ जिसको मैं शेयर करूँगी अपने काउंसलिंग वाले पेज में। काउंसलिंग भी दूँगा, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, तो आप इसको देख सकते हैं। अभी काफ़ी लेट हो चुका है तो मैं अब डिनर की तैयारी शुरू करती हूँ। और एक ये मेरा एक पार्सल आया था, ये है ज़ारा का हैंड बैग। मैं आपको थोड़ी देर में इसको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं अपना डिनर की तैयारी करने जाती हूँ। इसको कर देती हूँ बंद। सभी के रूम बंद हैं। अभी बज रहे 8:15 और मेरा खाना रेडी हो चुका है। खाने में है न्यूट्रेला, आलू, पनीर और शिमला मिर्च। अभी बहुत टाइम से ये यहाँ पे पड़ा है कुरियर। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग उन्हीं से करवाती हूँ जिन्होंने इसको ऑर्डर किया है। दो जी, इसको और ये इतनी जल्दी आया है, आज ही इसको ऑर्डर किया। ये है स्मार्ट वॉच। फाइनली निकल गई। अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। अरे ये पीछे देखो, 5 मिनट लाइट जलाने से कितनी सारी याद है, इसीलिए हमें यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने स्मार्ट वॉच पहन ली है, इसके अकॉर्डिंग हमको 7,000 स्टेप्स एक दिन में चलने हैं। देखते हैं आज मेरे रात तक कितने स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे मिनी काम कर रही है। हेलो, हाय, अभी बेड वगैरह नहीं करा है। कोई बात नहीं, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। और यहाँ पे एक्सरसाइज, सेकेंड राउंड एक्सरसाइज मतलब वॉक के बाद। अच्छा, गुड। नाश्ते में है पोहा। ये लो जी, ये है वो हैंडबैग जो उसने मिनी ने मुझे बोला कि ये आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। बट मुझे इसकी चेन काफ़ी मोटी लगी, ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा मोटी नहीं लग रही थी ये, बट इसकी चेन की वजह से, मोटी होने की वजह से एक इसका फ़ायदा है, इसकी शोल्डर पे रखने से ना इसकी ग्रिप अच्छी आ रही है।
जब मैं पहले वाला अपना वीडियो एडिट कर रही थी ना, मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं उसको अपलोड भी करूं। बट फिर मैंने बहुत सोच विचार के उसको फिर मैंने डाल ही दिया, क्योंकि मेरे को ये मेरा ना बहुत अनकम्फर्टेबल जोन है फेसिंग द कैमरा, और अगर हमको अपने अनकम्फर्टेबल जोन से बाहर निकलना है तो बस उसका एक ही रास्ता है कि जिससे तुमको अनकम्फर्टेबल तुम फील करते हो बस वही काम बस बार 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 करते रहो जब तक कि वो आपके लिए कंफर्टेबल ना बन जाए। यह है बाहर का व्यू, आज काफी टाइम बाद धूप आई है। सो फ्रेंड्स, मेरा डिनर हो गया है और अभी बज रहे हैं 10:15। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ, इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके भी अपनी लाइफ को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके कुछ सपने हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बस अपना राइट मोमेंट का वेट मत करिए, बस स्टेप लीजिए। यकीन मानिए, सिर्फ पहला स्टेप लेना है। पहला स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसके बाद रास्ते खुद ही मिलते चले। तो अपने आप को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल मत करिए। हो सकता है कि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आपने कभी ट्राई नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।